हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 43। इन एक्सरसाइज 43 फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमें इसको इनका प्रोडक्ट निकालना है। हम क्या करेंगे, ये पॉइंट रिमूव करेंगे, वन राइट करेंगे, पॉइंट के बाद वन प्लेस वन लिख देंगे। अब हम देखेंगे फोर, ये टू से डिविजिबल है, टू फोर ज़ा एट, टू फाइव ज़ा टेन, तो 367 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5। हम देख रहे हैं ये कोई भी डिविजिबल नहीं है एक दूसरे से। हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका आंसर आएगा 1468 डिवाइडेड बाय 5। एक मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, बाकी आपको खुद करना होंगे। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 टू ज़ा 10, 4 6 राइट करेंगे, 5 9 ज़ा 45, 1 8 राइट करेंगे, 5 3 ज़ा आपका 15, 5 3 ज़ा 15, 1 लिख देंगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, 3 रिमेन बचेगा, 5 6 ज़ा 30, आपका आंसर आएगा 293.6। ओके, सिमिलरली यू विल सॉल्व ऑल क्वेश्चंस। एक आध क्वेश्चन और दिखा दे रही हूँ आप, यहाँ से यहाँ, सॉरी 4 मैंने धोखे से 8 लिख दिया था, यहाँ 4 होगा क्योंकि यहाँ से हमने डिवाइड कर लिया था, इसको 2 से डिवाइड कर लिया था, तो ये हमारा 4 हो गया था। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 23.06 इंटू 87, हमने इसको सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 1 लिखेंगे, 1 2 डिजिट एंड 2 0 राइट कर देंगे यहाँ पर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये हमारा 6 है और ये हमारा 0 है, यानी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसको मैंने 2 से डिवाइड किया और 2 से डिवाइड करने के बाद मेरा आंसर आया 1153, और यहाँ पर 5 2 5 10 0 50 into 87। अब ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो इन दोनों की मैंने मल्टीप्लिकेशन करी तो मेरा आंसर ये आया डिवाइडेड बाय 50 से मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरा आंसर ये आ गया। ओके, सिमिलरली यू विल सॉल्व ऑल क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू वेरी मच।